अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एहतिशाम और आप देख रहे हैं हैरान दिल लोग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरे दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ गाँव अपने इस बकरे के लिए, जो है बकरी लेने जा रहा हूँ। ये बकरा जो है मैंने कुछ दिन पहले लिया था, तो ये बेचारा बड़ा उदास सा रहता था। तो मैंने सोचा क्या इसकी क्यों ना हम घर में कोई छोटा सा फंक्शन करें, तो सोचा कि मैं इसके लिए एक दुल्हन ले के आता हूँ। तो अब मैं गाँव जा रहा हूँ इसके लिए दुल्हन लेने। तो अब जो है ना, मैंने कहा कि इसको भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, इसकी भी बीवी हो। तो जो है ना, बाकी आप मुझे अभी सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है। लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अब हम मिलते हैं किसी गांव में जाते हुए और हम आगे गांव में जाके देखेंगे, अब बकरियाँ पसंद करेंगे, हम इसके लिए कोई अच्छी सी बकरी लाएँगे। तो मैं अपनी BMW निकाली घर से। तो BMW निकालने के बाद मैं बैठा उस पर और मैंने किक वगैरह मारने के बाद मैंने जो है अपनी ये आज गांव की तरफ निकल आया। तो गांव में अब काफ़ी बकरियां देखने के बाद मुझे कोई पसंद ना आई, तो मैं अब आगे जा रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि किसी और गांव जाके कोई अच्छी सी बकरी ढूंढ के आते हैं। तो आप भी मुझे बताइएगा कि अगर आपके पास कोई अच्छी बकरी है, तो क्योंकि मैं बकरी लेने आज आया हूँ गाँव में। तो ये गाँव चेक कर लिया यार, कितनी यहाँ पर ग्रीनलेस है। आप भी आए चक्कर, आपको भी लगवाएं अपने व्यूवर्स को, मैं अपने गाँव में चक्कर लगवाऊँ। तो चलो अब कोई देखते हैं आगे बकरी, तो फिर आपको मैं अपनी बकरी दिखाऊंगा अगर जाके के कौन से हमने आज बकरी ली है। तो काफ़ी बकरियां देखने के बाद मुझे कोई बकरी ना पसंद आई, तो हमने एक और गाँव गए, तो उधर जाके मुझे एक वाइट कलर की बकरी पसंद आई जो काफ़ी अच्छी थी और वो है भी छोटी थी। फाइनल गाइस, बकरी लेने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने घर को वापस। तो बकरी जो है वो पापा और जो है कज़न दूसरा आया था वो उनके साथ है और वो आगे चले गए हैं। तो मैं बकरी अब आपको घर जाके दिखाऊंगा। अब मैं जा रहा हूँ घर, अब घर जाके हम करते हैं अकेडमी की तैयारी, क्योंकि अकेडमी मुझे हमने अकेडमी जाना होता है। तो बाकी जो है हम अकेडमी जाके मिलते हैं। गाइस हम पहुँच गए घर, हम अपनी बकरी लेके। तो ये जो वाइट वाली आपको नज़र आ रही है ये हमारी बकरी है, और वो जो ब्राउन वाला है वो हमारा बकरा है। तो हमने पे बकरे को आज उसकी शादी के लिए जो बकरी ले आए हैं, अब वो दोनों देखें बकरे के जो चेहरे पे मुस्कुराहट है वो चेक करें कि यार वो कितना खुश है आज। तो बाकी अब एकेडमी का टाइम होने लगा है, तो जल्दी जल्दी हम एकेडमी के लिए रेडी हो जाए। तो वो देखो कितने खुशी से दोनों खा रहे हैं। गाइस तकरीबन 3 बज गए हैं, तो एकेडमी का टाइम हो गया था, तो मैं रेडी होके तो अब मैं जा रहा हूँ। ये मैंने बैग अपना अपने जो कंधों पर लटका लिया, तो अब मैं जा रहा हूँ एकेडमी। तो आज मैं आपको अपनी एकेडमी दिखाऊंगा, अपने सर से मिलवाऊंगा, अपने जो अपना मेरे जो एकेडमी फ्रेंड्स हैं उनके साथ मिलवाऊंगा आपको। तो अब मैं जा रहा हूँ, करीब ही है ज़रा मेरी जो है एकेडमी, तो इसी वजह से मैं आज पैदल जा रहा हूँ। तो आपको ना अब एकेडमी जाके दिखाता हूँ। तो मैं फाइनली एकेडमी के बाहर पहुँच गया था, तो मैंने कहा मैं भी आपको एकेडमी शो करूँ। तो ये मेरी एकेडमी के बाहर का मंज़र था। मैं अपने क्लासरूम में और अभी तक मेरे आइडिया से मेरी क्लास में कोई भी नहीं आया, तो सबसे जो फर्स्ट पर्सन है वो मैं हूँ। और मेरे आइडिया से अभी तक टीचर्स भी नहीं आए मेरे, तो जैसे ही सभी आते हैं तो मैं आपको उनके साथ भी आज मिलवाता हूँ। और यहाँ मैं बहुत शरीफ होके तो सर के सामने पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते मुझे याद आया कि वो मैंने तो अभी 2-3 शॉर्ट्स भी बनाने थे, तो मैंने जल्दी जल्दी से फ़ोन उठाया और सर का ध्यान उधर हुआ, तो मैंने अपनी एक दो जो है अपना वीडियो रिकॉर्ड की। और काफ़ी ये रिक्सी काम था कि सर को पता ना लग जाए, तो मैंने फिर सोचा कि नहीं अपने व्यूअर्स को भी तो दिखाना है ना। मैं था आज अपनी एकेडमी में क्लासरूम में मौजूद था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को अपने दोस्त और जो अपने सर है उनके साथ आपको मिलवाऊं। तो ये जो है मेरे दोस्त ग्राफिक डिज़ाइनर अली सईद और अब्दुल्ला सईद, अब्दुल्ला इधर देख रहे हैं पीछे, ये हमारे बहुत अच्छे से जो है स्टूडेंट है यहाँ पे। और इसके बाद हमारी जो है ना एक मासूम आना जो शख्सियत होती है क्लास में, सर के सामने मासूम और बाकी सबके सामने बहुत शरारती, तो ये हमारे जैन भाई। और उसके अलावा जो हमारे सबसे लास्ट और ग्रेट पर्सनैलिटी है ना, वो हमारे सर ये सर बैठे हुए हैं, इनका नाम सर काशी जाफर है और ये गवर्नमेंट टीचर है स्कूल में। और अपना ये नात खां और नकाबत जो है वो बहुत अच्छी करते हैं। हाँ जी, ये जैन अपना जैन के साथ ही जो श्याम है, ये श्याम अच्छा बच्चा है और व्लॉगर जो है इसने अपना काम स्टार्ट किया है और गुड विशेज जो है वो इसके साथ हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट है इसका। मैं चाहूँगा कि मज़ीद इसको पॉलिश करें, वेल फर्निश करें, ताकि स्टेप बाई स्टेप जो है वो अच्छे से अच्छे की तरफ बढ़ता जाए और बेहतर से बेहतर की तरफ बढ़ता जाए। और जैन के लिए भी दुआएं हैं, जैन को भी अल्लाह कामयाबी दे। और सब स्टूडेंट्स के लिए मैं दुआगो हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स को अल्लाह ताला
ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए और इनके घर वालों को जो इनके साथ एक्सपेक्टेशंस हैं, जो वो उम्मीदें लगाए बैठे हैं, वो उम्मीदें ही पूरी हो। इच्छाम विश यू गुड लक। थैंक यू सर जी। तो आज का जो ब्लॉग है उसको हम यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे फ़िलहाल आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह मिलते हैं कल। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।